जम्मू कश्मीर से 320 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के तीर्थ यात्री इस वर्ष पवित्र यात्रा करने वाले भारत भर के पहले जत्थे में से हैं। अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर से बिना महरम के 37 महिलाओं सहित कुल 7008 हज यात्री इस साल मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा पर निकल गए हैं। जम्मू कश्मीर हज समिति के कार्यकारी अधिकारी शुजहत कुरेशी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। शुजहत कुरेशी ने कहा कि लद्दाख सहित कुल 6852 तीर्थ यात्री श्रीनगर से रवाना होंगे, जबकि 541 तीर्थ यात्री अन्य हवाई अड्डों मुख्य रूप से दिल्ली हवाई अड्डे से प्रस्थान करेंगे। और एक हज यात्री ने कहा कि हम सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए सरकार के आभारी हैं और हम वास्तव में खुश हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी कम उम्र में हज करने की अनुमति दी है। मैं कश्मीर की शांति और खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा। मुश्ताक अहमद वानी, मैं अनंतनाग से बिलोंग कर रहा हूँ और आज जो हम बराम आए हैं हज के लिए, पहले हमारे फ्लाइट है। हम गवर्नमेंट से बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे टाइम से टाइम ख्याल रखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी जो हमारे बंदे पहले चले गए वो हमारा ख्याल रखेंगे। बहुत हमारी खुशी है कि इस कम उम्र में हमारे को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वहाँ बुलाया है। तो मैं सभी कश्मीरियों से गुजारिश करूँगी, हमारे दुआ करें कि ताकि हमारा ये हज कबूल हो जाए और हमारे कश्मीर के लिए अमन का बायस बन जाए।